वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि दिल्ली के अधिकारियों के संपर्क में लगातार बनी हुई है बिहार सरकार। बिहार ने दिल्ली को हालात से अवगत करवा दिया है और इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। दिल्ली से आने वाले सभी लोग सीमा पर ही रोके जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लोगों को घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, सीमा पर ही उन्हें रोक दिया जाएगा। पटना में प्रवासी मजदूरों को लेकर यह मीटिंग चल रही है। कई अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं, इसको लेकर सभी सुविधाएं दी जा रही है। वापस बिहार आने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है। हर जिले में करीब 3000 से 5000 लोगों की सूची बनाई गई है जो घर लौट रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से जो लोग बिहार जा रहे हैं उन सभी को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। अभी इस वक्त घर जाने की इजाजत इन लोगों को इस हालात में नहीं दी जा सकती है। बिहार की सीमा पर उसके लिए अस्थायी कैंप भी बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को वहीं पर रखा जा सके, और इसके लिए सूची बनाई जा रही है कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं। लगभग हर जिले से 3000 से 5000 लोगों की सूची बनाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है और इन लोगों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। इन लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।